आज फिर से मुझे इस डालमिया परिसर में आने का मौका मिला और ना जाने ऐसा लगता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और सोच में सच्चाई हो तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता, मेरा यह मानना है। और यही वजह है कि 2014 में जब इस डालमिया सीमेंट का उद्घाटन होना था उस समय भी मैं मौजूद रहा, आज ये दूसरा फेज का इसका एक्सटेंशन के इस आधारशिला पर भी मैं मौजूद हूं। और जिस तरीके से हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, झारखंड प्रदेश में यहां के नौजवानों को, यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसके लिए उद्योग लगाना भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतर और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोगों ने कई उद्योग घरानों के साथ अपने नीतियों को बतलाने का काम किया, बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। जब हमारी नीति उनके समक्ष आई तो काफी हमें सराहना मिला, राज्य की काफी लोगों ने चर्चाएं की कि नहीं, अब झारखंड में उद्योग लगाया जा सकता है। अभी तो ये पहला कदम है। मैं चाहूंगा कि डालमिया समूह, जो अभी इन्होंने बताया पुनीत डालमिया जी ने कि इनके समूह का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा, मैं समझता हूं कि आप यूं ही कदम आगे बढ़ाएं, यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके समूह का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग बना करके हम लोग दिखा सकते हैं।